हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं फिर से आ चुका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज गाइस हम लोग करने वाले हैं ओनली ड्रॉप वेपन चैलेंज। मतलब कि इस वाले मैच में सिर्फ मुझको ड्रॉप वेपन से लेना है। ड्रॉप से जो भी लूट मिलेगा, जैसे कि हेलमेट, वेस्ट, मेड किट भी कभी कभी मिल जाता है, और जो भी वेपन मिलेगा उसी से मुझे बंदों को मारना है और चिकन लेना है। तो देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक मिशन होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं वहाँ से गाड़ी ले लिया जहाँ पर स्कूल के सामने से गाड़ी स्पॉन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दूर के जगह है, और अगर मैं गन फाइट लेने के लिए उतरता तो यहाँ पर मैं मर सकता था। तो फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए थोड़ा गन तो चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं खाली हाथ में घूमूंगा तो कोई भी आके मार देगा। तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर गन ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप आ ही रहा है, तो चलो अभी चलते हैं गाड़ी लेके, गाड़ी तो नहीं है बग्गी लेके, और पहले ड्रॉप को लूटेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ड्रॉप में भाई कोई आएगा नहीं, क्योंकि अगर ड्रॉप में फर्स्ट ड्रॉप में कोई आ गया तो मेरे पास गन तो है लेकिन मैं मार नहीं पाऊंगा उस गन से। अगर मैं मार दिया तो ये मिशन हो जाएगा फेल। तो फिलहाल ओल्ड बेसिन के सामने है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको फास्ट मोशन में कर दिया है। क्यों, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे कि मैंने इसको कट जोड़ के दूसरे मैच से लगा दिया, तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट मोशन में किया है। तो खैर, यहाँ पर मैं जैसे ही जा रहा था सामने, मतलब कि ओल्ड बेसिन से फाइटिंग हो रहा था, तो यहाँ पर मैं फाइटिंग को इग्नोर करते हुए मैं सीधा चला गया यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर मैं फाइटिंग करने घुसूंगा तो मैं मार तो नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इस ड्रॉप को लूटने के लिए चलाया, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है ऑग, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर ऑग मिलता या आरपीजी मिलता तो उस गन से तो क्या ही मारता मैं। हाँ, मार पाता था लेकिन वन शॉट वन किल कभी कभी नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इस ड्रॉप को लूटने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। और एक और बात बता दूँ, जो चीज़ ड्रॉप से नहीं मिलता है, जो मतलब कि ड्रिंक्स विंक्स ये सब, उस सब को मैं घर से मतलब कि लूट पाऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल देखो सामने इधर एक बंदा देख सकते हो आप लोग, किल फीट में अभी अभी एक बंदे को मारा है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और ये बंदा को मतलब कि इस बंदे को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिलहाल खैर, उस वाले ओल्ड बेसिन में तो कोई भी नहीं आया था, तो इस वाले ड्रॉप के पास मैं आ जाता हूँ, क्योंकि देखो ड्रॉप लूटना इज इम्पॉर्टेंट, और इस वाले मैच में खाली मुझको ड्रॉप ही लूटना है। तो यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर मुझे मिल जाता है भाई गॉड गन, भाई MK14 मिल जाता है, मतलब क्या ही बताऊँ। और उसके साथ एक गिली सूट भी मिल जाता है, हेलमेट वेस्ट भी था मेरे पास, और दूसरा हेलमेट वेस्ट भी मुझे मिल जाता है। लेकिन अगर हेलमेट वेस्ट मैं अगर कैरी कर पाता बैग में तो अच्छा होता, क्योंकि जब हेलमेट वेस्ट डैमेज हो जाता है तो मैं उसको पहन सकता था। खैर, ये सब नहीं होगा, ये सब ख्यालों में होता है, पबजी में ये सब नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जा ही रहा था कि जिस वाले ड्रॉप को मैंने पहले लूट के आया था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो गाड़ी है, मतलब एक बंदे ने दूसरे वाले बंदे को अभी अभी मारा है, तो वो ज़रूर डैमेज होगा। तो यहाँ पर मैं बग्गी लेके जाऊँगा उसके पास, और पहले वाले पोजीशन में तो मुझे नहीं दिखा वो बंदा, फ्रेम में आया ही नहीं मुझे, और मुझे लगा कि ये बंदा चला गया, लेकिन उसकी कार यहाँ पर थी, तो मेरे को शक हुआ कि वहाँ पर वो हो सकता है। तो मैंने फिर से गाड़ी घुमाई, और अब देखना ये बंदा मुझे दिख जाता है, तो देखना इस बंदे को कैसे मारते हैं। इस बंदे को जब तक पता चला कि मैं पीछे आके इसको मार रहा हूँ, तब तक ये लॉबी पहुँच चुका था। तो खैर, इसको मारने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ इस वाले पहाड़ पे, और यहाँ पर मैं इसलिए आया क्योंकि देखो जोन इधर ही कभी बन जाता है कभी कभी, और पहाड़ में आने के बाद मुझे, क्योंकि मेरे पास MK है, ऊपर से 8x भी है, तो मेरे पास एडवांटेज होगा पहाड़ में। उतने देर में यहाँ पर एक देखो बॉट आ गया, तो इस बॉट को मैंने जैसे ही मारा, यहाँ पर मेरी मतलब कि सामने से फायर हो रहा था सिंक डेल्टा की तरफ से, तो उधर मैं मूव इन करके देख ही रहा था कि यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है कार लेके, तो देखना उस बंदे को भी मैं कैसे मारता हूँ। पर देखो सामने भी एक ड्रॉप है, उसमें भी एक बंदा है, तो मैंने सोचा कि इसको मारते हैं, लेकिन उतने में यहाँ पर एक गाड़ी आ जाएगा, और उस गाड़ी का साउंड सुनते ही मैं भाई पीछे चला गया, क्योंकि अगर मैं इसको मारने के चक्कर में रहा तो वो गाड़ी पीछे जाके मुझे मार देगा। खैर, यहाँ पर देखो वो बंदा सामने आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा कभी भी आ सकता है, और आके मेरी मुंडी अगर उसने देख ली वो। मतलब कि उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। खैर, इसको क्या ही पता चलता, मैंने इसको MK और ऑक का कॉम्बिनेशन मिला के मार दिया। तो खैर, यहाँ से तो मतलब कि सब कुछ सही चल रहा था इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर देखो एक गाड़ी आया, मैं यहाँ पर सोच रहा कि जाऊँ अभी एक गाड़ी आएगा, तो उस गाड़ी का साउंड सुन के मैंने सोचा कि एग्जिट मारता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने सोचा कि गिर के मर जाऊँगा, लेकिन वो गाड़ी आया,
और भाई कैसे मरा मैं नीचे था, गाड़ी मेरे से लगभग, देख सकते हो आप लोग स्लो मोशन में देखो, मेरे ऊपर एक और बंदा खड़ा हो सकता है, इतना डिस्टेंस था गाड़ी और मेरे बीच में। देखना ये देखो, गाड़ी आया, मैं नीचे गया और देखो भाई डिस्टेंस देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं मर गया। खैर कोई बात नहीं, पबजी के ग्लीचेस होंगे शायद, खैर क्या कर सकते हैं, ये गेम तो बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा वाला मैच लगाया और इस मैच में देखना भाई क्या होता है मेरे साथ। ये मैच पहले मतलब कि शुरुआत में तो ये मैच उसी मैच का कॉपी लगेगा आप लोगों को, ये देख सकते हो मैं उसी जगह से गाड़ी ले रहा हूँ और कोइंसिडेंटली वहाँ पर बग्गी है, तो खैर यहाँ पर मैं बग्गी लूँगा क्योंकि मुझे जाना है और थोड़ा बहुत तो कैंपिंग करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से उसी जगह पर जाऊँगा फर्स्ट वाले गेम प्ले में मैं जहाँ पे गया था, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद लूट वूट मैं करता हूँ, लूटिंग का पार्ट मैंने कट कर दिया, उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ ड्रॉप में और ड्रॉप गिरा था भाई ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आ जाता हूँ यहाँ पर मुझे कुछ बॉट्स साउंड सुनाई देते हैं तो मैं उन लोगों को इग्नोर कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर देखना एक गाड़ी है और गाड़ी ये वाला बंदा मेरे को मतलब कि पीछा कर रहा है। यहां पर देख सकते हो आप लोग पीछे से फुटस्टेप्स आ रहे होंगे आप लोगों के मिनी मैप में, तो ड्रॉप तो गिर चुका है, मैंने सोचा कि ड्रॉप को लूटते हैं लेकिन ये बंदा पीछा छोड़ेगा तब ना लूटूंगा। तो खैर यहाँ पर ये बंदा पीछे से घूम ही रहा था लेकिन इतने में दूसरा वाला गाड़ी आ जाता है और ये दूसरी तरफ चला जाता है थर्ड हिल की तरफ। तो खैर मैंने सोचा कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो किस पर देख रहे हो भाई, ओम मिल रहा है, मतलब जब ओम चाहिए तब मिलेगा नहीं, लेकिन जब ये वाला चैलेंज कर रहा हूँ तब उन लोग दे रहे हैं ओम। तो खैर मैं यहाँ पर जा ही रहा था स्कूल की तरफ से, यहाँ पर मुझे तीन बॉट्स मिल जाते हैं और फ्री का किल भाई कौन छोड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको इन तीनों को मार दिया क्योंकि भाई किल इज़ इम्पॉर्टेंट, चैलेंज तो कर रहे हैं लेकिन केडी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को मार देता हूँ, देखो तीनों को मार देने के बाद मैं देखो ड्रॉप की तरफ मुझे जाना ही था, दूसरे वाला ड्रॉप गिरा था यहाँ पर और यहाँ पर मुझे आना ही था क्योंकि ओम से क्या ही करूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं जैसे आया ये बंदा देखो भाई, इसने शायद हेडफोन नहीं पहना था, कहाँ भाग रहा है ये बंदा, कहाँ भाग रहा है मतलब कि क्या ही बताऊँ। खैर इसको मैंने ओम के एक फटके से मार दिया और यहाँ पर देखो फिर से आ गया भाई आरपीजी, मतलब जिसका डर था वही हुआ। तो खैर यहाँ पर मैंने गलती से मतलब कि ओम को फेंक दिया था, तो मैंने फिर से ओम को उठा लिया है और यहाँ पर देखना उतनी मतलब कि यहाँ पर एक बॉट आएगा, तो मैंने सोचा कि इस बॉट को मारते हैं। तो एक शॉट क्योंकि मिस हो गया था लेकिन इसके पेटी में, लेकिन इस बंदे के पेटी में मुझे मिल जाता है भाई 4x, तो 4x और ओम काफ़ी हद तक मुझे चलाना आता है, तो इस बॉट को भी भाई क्या ही मारा। तो खैर यहाँ से मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था, मुझे लग रहा था कि ये मतलब कि ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन देखना अभी गाइस क्या होता है, मतलब कि आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे, देखना क्या होता है। मैं यहाँ पर थर्ड हिल से जा रहा था और यहाँ पर था भाई, देखना पहले देख लो आप लोग, मतलब स्कैम देख रहे हो, स्कैम देख रहे हो। पहले वाले गेम प्ले में तो ऐसे ही मर गया गाड़ी से, मतलब कि मेरा कोई दोष था ही नहीं उसमें मर गया, लेकिन दूसरे वाले गेम प्ले में रेड जोन नहीं मार दिया, मतलब चैलेंज करना ही नहीं है, गेम भी बोल रहा है भाई चैलेंज तेरे से नहीं होगा, तू नॉर्मल गेम खेल। तो खैर गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि दूसरा कौन सा चैलेंज मुझे करना चाहिए। और गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और थैंक यू, गुड बाय।